साउंड क्या? हेलो फ्रेंड्स और डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं जल्दी लॉकडाउन के दौरान आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए कुछ नए नए जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स आपके सेलेबस रिलेटेड, वो जल्दी ही मैं उनको वीडियो लेकर आऊँगा। तो मैं आज आप लोगों के लिए ऐसा कॉमन टॉपिक लेकर आया हूँ जो ऑलमोस्ट सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है, 10th क्लास हो, 12th क्लास हो, या BSE या MSc में भी जो टॉपिक्स जो कंटेंट्स हम लोग जो पढ़ेगा वो सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ब्लड ग्रुप, यानी ब्लड ग्रुप को हम लोग यूँ कह सकते हैं रुधिर वर्ग या रुधिर समूह, रुधिर समूह यानी रुधिर समूह की बात हम लोग करेंगे आज। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रुधिर समूह से पहले मैं आपको हल्का सा थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ब्लड, हालांकि हमारा आज का जो टॉपिक है, जो वीडियो मैंने बनाया है, ब्लड को लेकर नहीं बनाया, ब्लड ग्रुप को लेकर बनाया। तो सबसे पहले ब्लड को लेकर हल्का सा बताना चाहूँगा कि अगर मैं हायर एनिमल्स की बात हम करें, सभी एनिमल्स की बात हम करें, सभी ब्लड होता है, लेकिन हायर जो एनिमल्स में अगर हम लोग ह्यूमन की बात हम लोग करें, हमारी बात करें, तो एक ह्यूमन में अप्रोक्सली यानी हेल्दी जो ह्यूमन होता है उसमें अप्रोक्सली 5 लीटर यानी अप्रोक्सली अगर बात हम करें लगभग 5 लीटर या उसके वेट का, अगर हम लोग यूँ कह सकते उसका वेट किसी व्यक्ति का अमाउंट क्या हो तो उसके वेट का लगभग 7% उसकी बॉडी में ब्लड पाया जाता है। ब्लड का एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी हमारा जो टॉपिक्स है वो ब्लड के कंटेंट ना पढ़कर ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। तो सबसे बताऊँ कि ब्लड ग्रुप को लेकर सबसे पहले जो साइंटिस्ट अगर यूँ कह सकते हैं कोल्ड लैंड स्टीनर, यूँ कह सकते हैं कोल्ड लैंड स्टीनर, कोल्ड लैंड स्टीनर ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप को यानी रुधिर वर्ग जो है उसके बारे में सबसे पहले बताया कि ब्लड के अंदर यानी कह सकते हैं कि ब्लड में दो प्रकार की प्रोटीन बॉडी होती है, एक होती है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। और आप लोगों को ये दिख रहा है कि दोनों ही प्रोटीन जो बॉडी होती है उनके जो नेम समझ लीजिए, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों में एंटीबॉडी आ रहा है। तो एंटी का मतलब होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी यानी दोनों ही प्रोटीन जो बॉडी के या जो प्रोटीन नेचर की जो बॉडी होती है एक दूसरे के अगेंस्ट या एक दूसरे का अगर बात यूँ कर सकते हैं विरोधी होते हैं, इसलिए इनके लिए एंटी शब्द का प्रयोग किया गया। एंटीजन और एंटीबॉडी को लेकर कोल्ड लैंड स्टीनर ने बताया कि जो ब्लड या ह्यूमन जो ब्लड होता है या जितने भी कह सकते हैं मैमल्स होते हैं उनके जो ब्लड होते हैं उनके ब्लड में जो RBC पाई जाती है यानी कस्बा भी मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि रेड ब्लड कॉर्पस रेड की एक मेन कंटेन है यानी लाल रुधिरकणिका है, इनकी सेल मेम्ब्रेन पर एक विशेष प्रकार का एक ग्लाइकोप्रोटीन, अगर मैं बात करूँ ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन या पार्टिकल पाए जाते हैं जो जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं एंटीजन कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। और ये एंटीजन यानी ओल्ड स्टेन ने बताया कि RBC की जो सेल मेम्ब्रेन है, जो RBC होती है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी जो सरफेस होती है उस पर दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं जिनमें उसने बताया कि एंटीजन एक तो होता है ए और एक होता है एंटीजन बी। इन्हीं एंटीजन के अलावा मैं थोड़ा इन लेटर्स को थोड़ा इरेज कर दूँ क्योंकि तो इनको भी बाद में लोग आराम से कैरी कर पाएंगे। एंटीजन्स के अलावा ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा पार्ट पाया जाता है, प्लाज्मा में एक एंटीजन का जो यू कह सकता है कि अगेंस्ट इनका जो विरोधी एक कंटेंट होता है वो भी ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का ही होता है, लेकिन वो जो उसे वो एंटीबॉडी कहते हैं एंटीबॉडी यानी दो प्रकार होते हैं एंटीबॉडी है ए और बी। अब हम लोग यू कह सकते हैं फिर आप लोग कह सकते हैं दोनों को आप लोगों ने अल्फाबेट से आप लोगों ने इनको सैंपल्स बनाया तो मैं बता दूँ कि दोनों ही एंटीजन एंटीबॉडी के लिए अगर हम लोग कैपिटल लेटर्स का अगर हम लोग उपयोग करेंगे तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि एंटीजन्स के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग किया और एंटीबॉडी के लिए स्मॉल का, ठीक है, ये तो आप लोग कन्फर्म आपको आएगा होगा। अब कोल्ड एंड स्टीनर ने ये बताया कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बेसिस पर, एंटीजन और एंटीजन के बेसिस पर ब्लड ग्रुप को इन्होंने 4 ग्रुप कर दिया, यानी कितने ग्रुप में, यानी अगर बात करें 4 ग्रुप यानी 4 ग्रुप में डिवाइड किया। तो सबसे पहला ब्लड ग्रुप उन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप यू कह सकते हैं ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, यानी 4 प्रकार से यू कह सकते हैं कि मानव में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति में एक ही प्रकार का होगा, 4 का आता है आप ये नहीं समझिए कि हमारी बॉडी में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होंगे, यानी एक व्यक्ति का, यानी अगर हम लोग इंडिविजुअल की बात हम करें तो कोई एक ब्लड ग्रुप होगा इनमें से, यू कह सकते हैं 1 होता है इनमें से कोई एक होगा, इन 4 में से कोई एक होगा। लेकिन अगर हम लोग एक ह्यूमन ग्रुप की बात हम करें या ह्यूमन सोसाइटी की बात हम करें
तो उनमें ब्लड ग्रुप के जो चांसेस होंगे वो ए बी ए बी और ओमेस होगा। तो इंडियन की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग ऑल वर्ल्ड की बात करें, तो मानव भारत में जो इंडियंस जो रहते हैं उनके ब्लड ग्रुप की अगर हम लोग प्रतिशतता की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो ब्लड ग्रुप जो ए होता है वो 23 to 5 यानी 23% से लेकर 25% होता है। ब्लड ग्रुप बी लगभग 34.5 to 36% होता है। ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है 7.5% से 10% होता है। और ब्लड ग्रुप जो बी होता है 34.36% अगर लगभग अप्रोक्स बात करते, तो ओ ब्लड ग्रुप यानी ओ ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा पाया जाता है अगर हम लोग बात करें। हाँ, तो अब हम लोग यू कह सकते हैं ये ब्लड ग्रुप के आधार पर, ये ब्लड ग्रुप के एंटीजन एंटीबॉडी जो होते हैं उनको देखने बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी और कौन सा एंटीजन होते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों के समय को बचाने की मैंने पहले ही एक सारणी बना रखी है। तो इस सारणी के अंदर मैंने दिखा रखा है कि ब्लड ग्रुप और ये हमारा इंडेक्स है। इंडेक्स में मैंने नंबर फिक्स कर रखा है 1, 2, 3, 4 ब्लड ग्रुप 4 में बताए गए। ब्लड ग्रुप को भी मैंने यहाँ पर लेटर से ही दिखाया, हालांकि अगर हम लोग चाहें तो इसको लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ताकि आपको आसानी से समझ में। इसमें हमने जो दूसरा कॉलम लिया उसमें एंटीजन को रखा है, इसमें एंटीबॉडी रखा है, इसमें डोनर को रखा है और उसमें रिसीवर को लिया है, यानी किससे ले सकते हैं। डोनर का तात्पर्य है कि मैं समझा दूं कि मानव में ब्लड की आवश्यकता, यानी जब किसी व्यक्ति में यू कह सकते हैं कि निर्धारित ब्लड की मात्रा कम होती है, या जब उसका एक्सीडेंट होता है या वो मान लीजिए बीमार हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको दूसरे व्यक्ति का ब्लड दे सकते हैं। तो जो व्यक्ति ब्लड देता है, यानी यू कह सकते हैं जो ब्लड देता है उसे हमको दाता यानी डोनर हम लोग कहते हैं, और जो व्यक्ति ब्लड ले रहा है उसको रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राही यानी रिसीवर भी कह सकते हैं। ओके, तो जो सबसे पहले ब्लड ग्रुप ए की बात हम करें, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन, मैंने अभी बता दिया था कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या था, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। तो कभी भी किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में, ये ध्यान दें, कभी भी किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी समान हो सकते हैं। इसका मैं बता दूंगा आपको, अगर किसी व्यक्ति ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन है तो उसकी बॉडी में कभी भी ए एंटीबॉडी नहीं होगा, ये ध्यान दें। यानी ये बहुत ही सिंपल पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों अगेंस्ट होते हैं। और इसके पहले वीडियो के अंदर अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया तो मैं एंजाइम का टॉपिक आपको समझाया था, और एंजाइम की जो मैगनीज है या मोड मैंने आपको बताया था, तो बताया वहां पर हमने एक थ्योरी ली थी लोक एंड की थ्योरी, और वहां पर मैंने कहा था कि जिस प्रकार एक एंजाइम निश्चित सबस्ट्रेट से क्रिया करता है, ठीक उसी प्रकार एक निश्चित एंटीजन एक एंटीबॉडी से क्रिया करता है। तो हमें ध्यान दें एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में एग्लूटिनेशन यानी आपस समूहीकरण की क्रिया करके जुड़ जाते हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो कभी भी किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी कभी समान नहीं होंगे, यानी ये कंडीशन अगर आती है तो उसका अगर बात हम लोग करें उसका रिजल्ट अगर बात करें डेथ यानी होगा। उसी प्रकार किसी व्यक्ति का ब्लड एंटीजन अगर बी है और अगर उसमें यू कह सकते हैं कि एंटीबॉडी भी बी है तो वो इस कंडीशन में भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको ये वैसी जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि ये आपको किताब के माध्यम से जानकारी आपको मिली जाती है, लेकिन हो सकता है कई बुक्स में ये जानकारी नहीं रहती है, तो इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें। तो ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में एंटीजन ए होगा और एंटीजन की कारण ही उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। तो विशेषली कोल एंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप को एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ना डिवाइड करके प्रेजेंस ऑफ एंटीजन की हम कह सकते हैं, यानी एंटीजन कौन सा है, एंटीजन कौन सा होगा। और मैंने बताया एंटीजन हमारे ब्लड में दो प्रकार होते हैं, तो जिस व्यक्ति के ब्लड में एंटीजन अगर ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा। और एंटीबॉडी अभी मैंने बताया था कि एंटीजन के साथ एंटीबॉडी होते हैं, लेकिन वो एंटीबॉडी एंटीजन का सिमिलर नहीं होना चाहिए। तो एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी होगा। हम लोग पहले दो ही कॉलम को देखेंगे, एंटी ब्लड ग्रुप बी के अंदर बी एंटीजन होगा, ए बी में दोनों होंगे, यानी मैंने बता दिया कि अभी आपको मैंने कहा था कि ब्लड ग्रुप का जो प्रकार है वो किसके आधार पर रखा गया है, एंटीजन के आधार पर। ये आप लोग क्लियर कर ले एंटीजन के आधार पर, किताब हम लोग पढ़ते हैं एंटीजन एंटीबॉडी देने का, लेकिन हम लोग यहाँ पर ध्यान दें एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का प्रकार। अगर किसी व्यक्ति ब्लड ग्रुप दोनों एंटीजन हो सकते हैं, दोनों अगर एंटीजन होंगे तो उसमें का ब्लड ग्रुप ए बी होगा और एंटीबॉडी उसमें क्या होगा, निल होगा, यानी आप समझ रहे हैं निल, यानी उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर होगा अगर बता उसका रिजल्ट भी बता दूंगा आपको। फोर्थ अगर बात करूँ ओ ब्लड ग्रुप का साइन अगर ओ होता है और इसमें किसी प्रकार का ब्लड ग्रुप इसमें एंटीजन नहीं होता, अर्थात इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी दोनों होते हैं। और मैंने बताया कि एंटीबॉडी दोनों क्यों हो सकते हैं, क्योंकि एंटीजन नहीं है, तो समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी में एग्लूटिनेशन या यू कह सकते हैं कि जो समूहीकरण की क्रिया होती है एंटीजन और एंटीबॉडी की, यू कह सकते हैं ये अगर एंटीजन होते हैं और ये इन एंटीजन से ही एंटीबॉडी रिएक्ट करते हैं, यानी सिंपल वे की बात हम लोग अभी करके बता उसकी आवश्यकता नहीं। मैं बता दूं कि एक एंटीजन यानी जो वाई शेप के अंदर ये एंटीबॉडी है, तो एक डोर जो हम दिखाए वो एंटीजन से, तो एंटीबॉडी एक एंटीजन से ही क्रिया करता है, क्योंकि
एंटीबॉडी पर भी एंटीजन से जुड़ी रहने के लिए एक्टिव साइट्स पाए जाते हैं लाइक एंजाइम, एंजाइम की तरह, जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो बता दिया था। तो इसकी एंटीजन और एंटीबॉडी का जो मोड है, मैकेनिज्म है, वो भी सेम लोक एंड की थ्योरी से हम लोग समझ सकते हैं, जिसको हम लोग आगे समझाते हैं। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी दोनों होते हैं। अब बात आती है कि कौन सा ग्रुप किसको दे सकता है। वीडियो में थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है तो मैं थोड़ा फास्ट भी करना चाहूंगा इसको। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति डोनर दे सकता है, यानी अगर हम लोग इसको सबसे दे सकता है, इसमें अगर बात हम करें ले सकता है, आपको समझ दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति केवल मात्र ए को दे सकता है, यानी जिसका ब्लड ग्रुप सेम होगा तो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। बी वाला बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप वाला केवल ए बी, यानी केवल ए बी को ही दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति अगर है, उसका ब्लड ग्रुप अगर ए है तो ए बी है, तो ए बी वाले ब्लड ग्रुप को ही दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए को दे सकता है, बी को, ए बी को, ओ यानी ऑल टू ऑल को यू कह सकते हैं दे सकता है। ओके, इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को हम लोगों ने क्या बोला, सर्वदाता, जिसे हम लोग अपनी भाषा में या इंग्लिश की भाषा में हम लोग कह सकते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर। ये आप समझ गए होंगे। अब बात यू कह सकते हैं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है, अब रिसीवर की बात आती है, तो रिसीवर में क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति को ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है, क्योंकि ओ डोनर सबको दे सकता है। तो यूं आपने देखा होगा कि सभी ब्लड ग्रुप जो हैं वो आपस में अपने समाज को ले सकते हैं, ओ से भी ले पाएंगे। बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति जो होता है वो बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है। ए बी वाला जो है उसे हमने सर्वग्राही कर, पहले मैंने लिख रखा है, और सर्वग्राही के साथ साथ अगर बात करें इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिसीवर। अभी मैंने बताया यूनिवर्सल रिसीवर भी कहते हैं। ओके, इसे ये सबसे ले सकता है। तो ये वैसी चीज पता लगे, और ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति केवल मात्र ओ से ले सकता है। ये तो अब बात आती है कि ब्लड डोनेट का फार्मूला, हालांकि बुक्स के अंदर ये कभी भी कहीं भी नहीं है, ब्लड डोनर का या ब्लड डोनेट का अगर मैं आप लोगों को एक सिंपल फार्मूला अगर आप लोगों को बताना चाहूँ तो ये बहुत ही बेस्ट सिंपल है कि ब्लड डोनेट के दौरान दो व्यक्ति होते हैं, एक डेफिनेटली एक डोनर होगा और एक रिसीवर होगा। ये तो आपको मालूम होगा, कॉमन सी बात है। तो ये ध्यान दें, ब्लड डोनेट के दौरान हमें विशेषली क्या ध्यान देना है कि ब्लड डोनेट सबसे बड़ा महाधार माना गया, यानी इसको सबसे, अगर बात हम लोग करें कि विश्व के अंदर सबसे बड़ा दान अगर माना गया है, डोनेट अगर माना गया तो ब्लड डोनेट को माना गया, उसको भी हम लोग बाद में एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ब्लड ग्रुप का फार्मूला, यानी सॉरी ब्लड डोनेट करते समय जो फार्मूला हम लोग देखते हैं, वो सबसे बेसिक फार्मूला है जो आपकी बुक्स में कहीं भी लिखा हुआ है या कहीं भी आपको मिलेगा, नहीं वो मैंने बनाया, वो आप समझें कि ब्लड डोनेट के दौरान जो डोनर होता है, ये ध्यान देवें, डोनर जो है उसका ब्लड ग्रुप हम लोग चेक करेंगे और रिसीवर का भी चेक करेंगे। ये कंफर्म कर लें कि यहाँ पर व्यक्ति यू कह सकते हैं, एक डोनर यहाँ पर कौन है, पी है, और रिसीवर यहाँ पर कौन है, क्यू है, ऐसे एग्जांपल के लिए। तो डोनर जो है, जो ब्लड देने वाला है, उसका हम लोग ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, और ब्लड ग्रुप में हमें पता लग गया कि उसके ब्लड में कौन सा एंटीजन है। ब्लड ग्रुप तो चार्ज हुआ एक होगा, लेकिन हम लोग क्या चेक करेंगे, डोनर का एंटीजन चेक करेंगे, और रिसीवर का हम लोग क्या चेक करेंगे, एंटीबॉडी। ये ध्यान से सुने और ये विशेष ध्यान दें कि डोनर और रिसीवर का एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों क्या नहीं होना चाहिए, समान, इक्वल नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही बेसिक, मैंने मोटी बात आपको बताई, इसका विशेष ध्यान दें। अब एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको लेकर एक बताना चाहूंगा, इस एग्जाम्पल के रूप में माना जा रहा है कि अगर मैंने आपको बताया कि डोनर यानी यू कह सकते हैं ए ब्लड ग्रुप, यानी एक जो दाता हम लोगों ने माना, दाता कौन है, ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, ब्लड ग्रुप उसका ए है, और जो ग्राही यानी जो रिसीवर है वो ब्लड ग्रुप माना जा रहा है बी। एक बार हम लोग देख रहे हैं कि ए ब्लड ग्रुप का व्यक्ति बी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है क्या, ये हम लोग बेसिकली देख रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए, ए यहाँ पर कौन है, ब्लड डोनर है, बी यहाँ पर कौन है, रिसीवर है, ग्राही है। तो दाता ब्लड ग्रुप की बात हम करें, ए ब्लड ग्रुप की बात हम करें, ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन कौन है, ए, सीधी बात, एंटीजन ए है, ग्राही बी, अगर बात हम करें ग्राही यहाँ पर कौन है, बी। तो बी ब्लड ग्रुप का हमें क्या देखना होता है, ग्राही का क्या देखना, एंटीबॉडी, तो हमने एंटीबॉडी मैच किया तो इसका एंटीबॉडी क्या है, ए आ रहा है। तो आप लोगों को क्या देखा कि इसका एंटीबॉडी ए आ रहा है। तो यदि हम इस ए डोनर व्यक्ति का ब्लड अगर ग्राही में दे देंगे तो इस ग्राही व्यक्ति के दौरान, हालांकि हम लोग एक ब्लड डोनर की यूनिट के दौरान ज्यादा मैं भी बताना चाहूंगा 350 ml, यानी 350 एक ब्लड यूनिट के अंदर 350 ml ब्लड की मात्रा होती है, लेकिन जब हमने इसको 350 ml या एक यूनिट ब्लड इसको हम देंगे तो इसकी बॉडी के अंदर, कॉमन सी बात है कि ये एंटीबॉडी जो इसके अंदर पहले से मौजूद है और ये एंटीजन हमने इसको दे दिया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और दोनों में एग्लूटिनेशन यानी समूहीकरण की क्रिया हो जाएगी। यानी कह सकते हैं ये दोनों यानी एंटीबॉडी एंटीबॉडी एंटीजन से क्रिया कर रिएक्ट करके आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। समझने बात है, इस प्रकार से ये इस प्रकार एग्लूटिनेशन, और एग्लूटिनेशन से व्यक्ति का जो रिजल्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा,
डेथ। एक तो हम उसकी लाइफ को हम लोग सेव करना चाहते हैं लेकिन उसका रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट आ जाए। तो ये ब्लड ग्रुप का डोनेट करने का मैंने फार्मूला बताया, इसको मुझे अपेक्षा है कि आप लोगों ने इसको इंटरेस्ट लेकर समझे भी होगा। ऐसे एग्जाम्पल आप इसमें यहाँ देखेंगे और वीडियो को बीच में कंपोज करके इस सारणी को जरूर आप लोग बना लेंगे। अब एक बार मैं थोड़ा सा बीच में बताऊंगा कि ब्लड ग्रुप ये तो हमने देख लिया, ये ब्लड ग्रुप के साथ साथ अब हम लोग थोड़ा सा पॉइंट बता जाऊंगा कि ब्लड ग्रुप यानी कह सकते हैं कि ब्लड यानी रुधिर वर्ग एक प्रकार से मानव का एक जेनेटिक कैरेक्टर है। अगर बात अंदर जेनेटिक फीचर है क्योंकि ये पेरेंट्स है यानी माता पिता या जो जनक होते हैं उन्हीं से उनकी ऑफस्प्रिंग या जो उनकी डॉटर या उनकी जो यू कह सकते उनकी जो संतति होती है उनके अंदर ये यू कह सकते हैं जनरेशन बाई जनरेशन क्या करता है यू कह सकते सर्वाइव होता है या अगर रीच करता है या यू कह सकते पहुंचता है, इसीलिए जेनेटिक कैरेक्टर बोला गया ब्लड ग्रुप को। तो इसका विषय ध्यान देवे। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जेनेटिक कैरेक्टर है और ब्लड ग्रुप की बात हम करें, रुधिर वर्ग का जो नियंत्रण है किसी व्यक्ति में कौन सा रुधिर वर्ग होगा यानी किसी व्यक्ति में ब्लड ग्रुप कौन सा होगा उसका नियंत्रण करने के लिए यू कह सकते हैं ब्लड ग्रुप का नियंत्रण करने वाली एक जीन होती है। ये हम लोग पढ़ेंगे प्रत्येक सजीव में जो लक्षण होते हैं जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी कैरी या उनका अगर यू डिटरमिन की बात हम करें एक जेनेटिकल इकाई होती है जिसे हम लोग जीन कहते हैं। जो हम लोग फर्दर जो वीडियोज में बनाऊंगा जेनेटिकल के जो चैप्टर्स आएंगे मेंडल का आपने नाम सुना होगा उसमें हम लोग अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताएंगे। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि एक ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने वाली जो जीन होती है और जीन जेनेटिकल यूनिट होती है आनुवंशिक इकाई होती है आई जीन है। आई यहाँ पर अगर बात हम करें मल्टीमॉर्फिक यानी मल्टीमॉर्फिक भी कह सकते हैं या फिर पोली एलील यानी अगर बात हम यू कह सकते हैं पोली एलील यानी बहुविकल्पी जीन है क्योंकि इस जीन के तीन रूप होते हैं। इस जीन का एक अगर बात हम इस जीन के तीन विकल्प हैं यू कह सकते हैं एक विकल्पी है आई ए एक विकल्पी है आई बी और एक विकल्पी है आई ओ। आई ए और आई बी ये दोनों डोमिनेंट जीन है और आई ए एक्चुअल कौन जीन है जिसे रेसेसिव कह सकते हैं ए प्रभावी यानी ये दोनों प्रभावी है इसके ऊपर लेकिन दोनों प्रभावी इन दोनों में अगर बात है कौन प्रभावी तो आप बोल बोथ आर डोमिनेंट बट यू के दोनों के बाद यू कह सकते हैं बोथ जीन्स अगर यू कह सकते डोमिनेंट और टू जीन आई यानी ये दोनों इस जीन पर डोमिनेंट होती है। अब सीधी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि आई जीन के द्वारा किसी व्यक्ति में एंटीजन ए का निर्धारण होगा। ध्यान देवे यहाँ पर जीनों को हम लोग एल्फा ए से भी लिख सकते हैं इसमें कोई डेफिनेट वो अपसेबल आप कुछ भी ले सकते हैं। तो जीन जो आई होगी उससे एंटीबॉडी एंटीजन सॉरी एंटीजन ए का फॉर्मेशन होगा। बी जो है बी एंटीजन बी यानी कह सकते हैं एंटीजन जो बी होती है वो एंटीजन बी के फॉर्मेशन को कंट्रोल करती है या डिटरमिन करती है और आई जीन के द्वारा किसी प्रकार के कोई भी एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये बताना चाहूंगा कि इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप को हम लोग जीरो ब्लड ग्रुप भी कहते हैं यानी जीरो या शून्य ब्लड इसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर तो कहते हैं ये शून्य भी कहते हैं। अब आप लोग कैसे बोलते हैं शून्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो सैंबल होता है ओ का और जीरो का सैंबल एक होता है लेकिन इसकी वजह से